चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं के शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिके रहते हैं। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसे यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी अमृत को उपलब्ध होता है, जहर से छुटकारा होता है, अमृत का रसपान होता है। अंतिम घड़ी तक यही कि मैं ज्ञायक देव हूँ ऐसे विकल्प का जहर पिया, फिर भी संतुष्टि न हुई। कितना भी मीठा जहर हो, जहर तो जहर होता है। और जब
उस जहर से भी संतुष्टि न मिली और न्याय का ही लक्ष्य रहा कि वह जहर जहर न रहा, जहर की मृत्यु हुई और अमृत प्रकट हुआ। जब अमृत प्रकट हुआ, अमृत का रसपान हुआ, तब यह प्रतीति हुई कि भूतकाल में अनंत पर्यायों में जिसने जहर पिया ही नहीं, यह ज्ञायक देव मैं हूँ। यदि ज्ञायक देव ने जहर पी लिया होता तो ज्ञायक देव की मृत्यु होती, मगर ज्ञायक देव आज भी सत्ता स्वरूप है, अनंत काल तक सत्ता स्वरूप रहेगा। वह इस बात को बताता है कि अनुभूति के काल में जो प्रत्यक्ष वेदन में आया कि मेरा स्वरूप ये त्रिकाल और भूतकाल में विकल्प की जाति ही अलग थी, मैं विपरीत जाति वालों को छूता नहीं, छू सकता ही नहीं। न्यायक देव की जाति निराकुलतामयी है और विकल्प की जाति आकुलतामयी है, इसलिए अंतिम घड़ी तक, अंतिम समय तक इन विकल्पों से संतुष्टि नहीं होती। देह तो दूर, देह के विकल्प से भी संतुष्टि नहीं होती। देह और देह के विकल्प तो दूर, वितरागी परमात्मा की भक्ति के विकल्प से भी संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि वितरागी परमात्मा की भक्ति का भाव जब आता है तब वितरागी परमात्मा की ओर ध्यान गया, जब ध्यान गया तब पराये द्रव्य की ओर ध्यान गया, और पराये द्रव्य में भी पराये द्रव्य पर नहीं, पराये द्रव्य की एक समय की पर्याय पर ध्यान जाना, पराये द्रव्य की एक समय की पर्याय पर कि हे भगवान आपकी वितरागता के मैं गुणगान गाता हूँ। वह वितरागता एक समय की है और पराये द्रव्य की है। आपकी सर्वज्ञता, आपका केवल ज्ञान, महावीर भगवान का केवल ज्ञान, जो महावीर भगवान के केवल ज्ञान के गुणगान गाओ कि कैसे हैं महावीर भगवान जिनके केवल ज्ञान के एक समय की पर्याय लोकालोक को जानते हैं, फिर भी वो महावीर भगवान की एक समय की पर्याय की महिमा वहाँ से हट करके, पराये के अंश से हट करके स्वयं के अंश तक पहुंचना, यह साधक की साधना है। पराये से स्व तक इतना नहीं, पराये के अंश से स्वयं के अंश तक, पराये की पर्याय से स्वयं के द्रव्य तक। यद्यपि यह द्रव्य भी एक अंश है, मगर वह अंश जब स्वरूप सन्मुख दृष्टि होते हैं तो वहां पर वह अंश का विकल्प नहीं, वही अंशी है, क्योंकि वस्तु का जो स्वरूप है, वस्तु के स्वरूप में तो द्रव्य भी है और पर्याय भी है, फिर भी पर्याय की ओर ध्यान न गया और द्रव्य की ओर ध्यान गया, पलटते अंश की ओर ध्यान न गया और न पलटते अंश की ओर ध्यान गया। इसलिए ये न पलटता ऐसा ये चैतन्य तत्व, ये अंश होने पर भी ये अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा है, जिसमें अनंत गुण, अनंत गुण के भेद वहाँ द्रव्य में नहीं होने से, वो अभेद एक होने से अनंत गुणाधिपति ज्ञायक को अंशी कहा। एक समय की अंश रूप पर्याय अंशी का आश्रय लेती है, उस समय पर्याय में ये विकल्प नहीं कि मैं अंश से एकत्व करती हूँ। यद्यपि ये द्रव्य है और ये पर्याय, मगर द्रव्य और पर्याय ये दोनों एक दूसरे के एक साथ में, एक ही वस्तु में रहते हैं। आत्मा की अनुभूति के काल में ये जो आत्मा का श्रद्धा का परिणमन है वो कहीं बाहर से नहीं आता, वो आत्मा में से ही ये श्रद्धा की पर्याय प्रकट हुई, और आत्मा में श्रद्धा स्थापित होती है तब वह श्रद्धा एक अंश और आत्मा भी एक अंश। अंश इसलिए क्योंकि पर्याय और द्रव्य ये दो भेद की तुलना में ये आत्म द्रव्य एक अंश है।
जब पर्याय में ये एकत्व होता है कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, तब पर्याय को पर्याय के अंश का भी विकल्प नहीं होता। जब पर्याय को यह विकल्प नहीं कि मैं द्रव्य का अंश हूं, तब पर्याय को द्रव्य रूप अंश का विकल्प कैसे हो? तब पर्याय अभेद होकर ज्ञायक में एकत्व करती है कि यही ज्ञायक देव मैं हूं। उस अभेद निर्विकल्प अनुभूति के बल पर प्रकट होने वाली यह श्रद्धा है। अब वह श्रद्धा खंडित नहीं होती, क्योंकि एक एक समय के पर्याय में वह पर्याय न्यायक का एकत्व, न्यायक का एकत्व ऐसे करती है कि यह न्यायक ही मैं हूं। इसमें नई घटित नहीं होते कि किसी अपेक्षा से तो मैं न्यायक हूं और किसी अपेक्षा से तो ये राग द्वेष के विकारी भाव मेरे हैं, ये देह और देह के संयोग मेरे हैं, ये अत्यंत दूरवर्ती गांव नगर देश तक ये सब मेरे हैं। श्रद्धा ऐसा स्वीकार नहीं करती। ये नए ज्ञान में घटित होते हैं, श्रद्धा में नहीं। श्रद्धा तो ऐसा एकत्व करती है कि सब कुछ समर्पित हुआ कि यही मैं। इसलिए तो सिद्ध भगवान की जैसी श्रद्धा ऐसे ही श्रद्धा नरक में नारकी श्रेणिक राजा को, ऐसी ही श्रद्धा जैसे सिद्ध भगवान की श्रद्धा। ज्ञान में भेद हो, चारित्र में भेद हो, मगर ये आत्मा का एकत्व, ये आत्मा की श्रद्धा, श्रद्धा खंडित नहीं होती। खंडित हो जाए वह श्रद्धा ही नहीं, खंडित हो जाए तो वह अतीन्द्रिय आनंद ही प्रकट न हो। जब भी कोई वस्तु तुम्हें मिले और उस समय तुम्हें ये बताए कि यह वस्तु तुम्हारी भी हो सकती है और ये किसी और की भी हो सकती है, तुम्हें इतना आनंद नहीं आएगा। मगर ये तुम्हारी ही है ऐसा जब कि इसका मालिक और कोई नहीं, तुम ही हो, दृढ़ता आती है। अब खंड खंड न रहे, एक ही खिलौना दो बच्चे के लिए माँ बाप लाकर दे तो थोड़ा ऐसा झटका लगता है कि अरे एक ही खिलौने से दोनों को खेलना है। मगर जब कहे कि अच्छा दोनों के लिए एक एक खिलौना ला करके देंगे, तब दोनों इतने खुश होते हैं क्योंकि पूरी मालकियत अपनी हो गई, अब इसमें और कोई दूसरा न रहा। ऐसी ही श्रद्धा है, सिर्फ दृष्टि बदलती है बाहर के पुद्गल की दिशा से चैतन्य की दिशा में। श्रद्धा की यात्रा होती है, एकत्व होता है। परम कृपालु देव की अंतर्मुख दृष्टि, दृष्टि अंतर्मुख थी और फिर भी जगत के जीवों पर करुणा का भाव उत्पन्न होता था, आत्म कल्याण का भाव कि प्रत्येक आत्मा का हित हो, कल्याण हो। दवाई थोड़ी कड़वी हो सकती है मगर मरीज के लिए वह हितकारी होगी। मरीज को देखते हो, इंजेक्शन जब डॉक्टर लगाते हैं, इंजेक्शन लगाया ही नहीं उससे पहले ही उसके अंदर वेदना, कल्पना, तरह तरह के विकल्प चालू हो जाते हैं। मगर फिर भी रास्ते पर यदि किसी से ठोकर लग जाए तो गंदी गंदी गालियों से वर्तन करने लगने वाला वह व्यक्ति, सिर्फ एक ठोकर लग गई थी भूल से रास्ते पर चलते समय कि वह व्यक्ति गाली देने लगता है। और डॉक्टर को घर पर बुलाया और डॉक्टर ने ऐसी पतली सुई शरीर में चुभा दी, जोर से सुई चुभाई, जोर से आवाज निकल आई कि अरे बहुत दर्द हुआ। डॉक्टर ने कहा बस इंजेक्शन दे दिया। मरीज पूछता है डॉक्टर साहब से, आपको कितने रुपये दो, कितना धन दो? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रास्ते पर चलते हुए व्यक्ति से ठोकर लगी थी, गालियां बोली और जिसने सुई चुका दी उसके लिए धन्यवाद और रुपये चुकाते हैं, उसके पीछे भी ये श्रद्धा है।
ये श्रद्धा कि ये मेरे लिए हितकारी है, कल्याणकारी है, उपकारी है। श्रद्धा बाहर के क्रियाकांड से नहीं, बाहर के क्रियाकांड से श्रद्धा होती तो ये डॉक्टर के प्रति तो और द्वेष होना चाहिए। सदगुरु वैद्य है जिनकी दवाई कड़वी हो सकती है, इसलिए कड़वी हो सकती है क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं कुछ और है और उनकी देशना कुछ और है। तुम्हें चाहिए संसार का सुख और वे कहते हैं संसार के दुख का स्वरूप, इसलिए वह वाणी सुनना प्रीतिकर नहीं लगता। इसलिए तो ये विरले जिन्होंने इतना भोगों को भोगा और थके, इतने उबे कि तभी ये पुकार सुनने का भाव आया। और जरूरी नहीं है कि किसी ने इस भोग में भोगों को न भोगा हो और फिर भी उब गया हो, उसके पीछे भी कारण हो सकता है, जो कारण परम कृपालु देव के भीतर में था, परम कृपालु देव का जाति स्मरण ज्ञान, भव भव का ज्ञान। भव भव को जानने वाला यह महापुरुष चुप रहा, चुप रहकर भी उसने अपने जीवन में बोध सीखा। परम कृपालु देव को जाति स्मरण ज्ञान, लोग कहते हैं आत्मज्ञान और जाति स्मरण ज्ञान में बहुत अंतर है। जाति स्मरण ज्ञान तो अज्ञानी को भी हो जाता है, मैं पिछले भव में क्या था, कहाँ था, क्या कर रहा था, ये सब ज्ञान में अभी जानने में आ जाना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जाति स्मरण ज्ञान, नयापन न लगे, ये तो मैंने भूतकाल के भव में देखा है। एक समय के लिए ऐसा नयापन न लगे, ये कोई विरला समझे। इसलिए जब मैं ये कहता था कि पृथ्वी पर जहाँ भी मैं गया, जिस व्यक्ति को मैं मिलता था, मुझे कोई व्यक्ति नया नहीं लगता था कि इस बार मैं इसे पहली बार मिल रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये अज्ञानी को भी हो सकता है, ज्ञानी को भी हो सकता है। आज जो मैं ये कह रहा हूँ और भीतर में ये जानने में आए कि भूतकाल में यही वाक्य कभी मैंने बोले थे, कभी मैंने सुने थे, अभी ज्ञान में जानने में आना। जाति स्मरण ज्ञान, भूतकाल के भवों का ज्ञान, कौन कौन सी जाति में, कौन कौन से भवों में मैंने जन्म लिया, उससे लाभ क्या है। कोई ज्योतिष का धंधा थोड़ी खोलना कि वहां पर भूतकाल में क्या किया था और तुम भूतकाल में क्या थे वो बता देना, मगर उसकी बहुत उपयोगिता है यदि सदुपयोग हो तो। जाति स्मरण ज्ञान कि इस भव में शादी नहीं की, इस भव में संसार के भोगों को नहीं भोगा, और बचपन में ही ये भूतकाल के भवों का स्मरण, और भूतकाल के भव स्मरण में आए कि भूतकाल में ऐसा हुआ कि शादी हुई थी, अनेक रानियां थी, संसार का सुख मैंने भोगा था, मरने की तैयारी थी, और जब मैं मृत्यु की घड़ी पर था कोई मेरे पास न था, सब लोग अपने अपने में, रानियां अपने में, बेटे अपने में, और इस भव में। अब जब यहां पर रानियां कहती हो कि आप फिक्र न करें महाराज, हम आपके साथ हैं, तब वो भूतकाल का भव ज्ञान में आता है। ज्ञान में जब जानने में आता है तो कनेक्शन मिलता है कि भूतकाल में भी ऐसे ही धोखा देने वाले थे, ये अभी जो कह रहे हैं ये भी ऐसे ही धोखेबाज, क्योंकि भूतकाल के भवों का इतिहास, वो इतिहास गवाह है। इतिहास ये गवाह है कि भूतकाल में मैंने ऐसे वचन तो बहुत सुने थे। भूतकाल में जब मेरी मृत्यु हुई थी तब वैद्य मेरे निकट थे, और उन वैद्यों ने, एक नहीं अनेक नगरों के वैद्य इकट्ठे हुए थे, मेरे परिवारजन के साथ मैं वहां पलंग पर लेटा था। उन्होंने ऐसे वैद्यों को बुलाया जो नाड़ी पकड़कर बता दे कि बीमारी क्या, इलाज क्या, और उस समय उन वैद्यों ने मुझे वचन दिया
और वह वचन दिया कि आपको कुछ भी नहीं होगा, और वह वचन सुनते सुनते ही मेरी मृत्यु हो गई और मेरा इस भव में यहाँ जन्म हुआ। अब वो जब मुझे स्मरण में आया कि भूतकाल में ऐसी मृत्यु हुई जो वैद्य कहते हैं कि चिंता मत करो कुछ भी नहीं होने देंगे, और जब मैं इस भव में यहाँ बीमार पड़ूं और तब यहाँ पर डॉक्टर आकर के मुझे कहे चिंता मत करो आपको कुछ नहीं होने देंगे, तो हंसी आती है कि भूतकाल में तुम्हारे जैसे बोलने वाले बहुत थे मगर बचा तो नहीं सके थे। मेरे ज्ञान में वो भूतकाल का भव, भूतकाल की घटनाएं जानने में आती हैं। तुम कोई नए तो नहीं हो जो ये सांत्वना देते हो, तसल्ली देते हो। इसलिए वैद्यों से सिर्फ तसल्ली मिल सकती है, जीवन नहीं मिल सकता। जीवन तो सद्गुरु के चरणों में मिलता है, परम वैद्य के चरणों में मिलता है। सद्गुरु वैद्य सुजान, परम कृपालु देव को जाति स्मरण ज्ञान, भूतकाल के भवों का ज्ञान और बचपन से उनकी बिल्कुल रुचि नहीं थी। वे तो ऐसे ही समझो कि मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वरण करने के लिए यहां पधारे थे, स्त्री का वरण करने के लिए नहीं। मगर पिताजी के कहने पर उन्हें शादी भी करनी पड़ी। यहां हमारे यहां ऐसा बहुत होता है कि बच्चों को शादी नहीं करनी, पिताजी जबरदस्ती शादी करा देते। और ऐसे साधक, ऐसे ज्ञान दीपक हैं जो रोते हैं कि बचपन से हमें संन्यास लेना था, दीक्षा लेनी थी, मगर माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कि छूटे, अपनी जिम्मेदारी निभा दे छूटे, हमारी खुशी किसमें है उसका विचार ही नहीं किया। कृपालु देव की शादी भी ऐसी ही हुई, उनकी इच्छा ने, उन्हें व्यापार और कारोबार का भी कोई रस न था, मगर मुंबई वहां पर भेजा गया। अल्प वय में फिर भी वे जौहरी थे, भीतर का जो जौहरी है वो बाहर में कहीं पर भी रहे अब उसे फर्क न पड़ेगा। शादी हुई, बच्चे हुए, चार बच्चे थे परम कृपालु देव के, मगर परम कृपालु देव जाति स्मरण ज्ञान, भूतकाल के भवों को जानते थे। किसी का अधिकार मुझ पर नहीं होगा। व्यवहार में गृहस्थ अवस्था में रह करके परम कृपालु देव ने ऐसा जीवन जिया, गृहस्थी में रह करके उन्होंने ऐसा जीवन जिया है कि उन्होंने दीक्षा तो नहीं ली थी मगर दीक्षा के बिना भी उन्होंने गृहस्थी में रह करके संयमित जीवन कैसे जिया जा सकता है वह समझाया। उन्होंने स्वयं नहीं, ऐसे ऐसे सत्संगियों को समझाया। उसमें सबसे प्रमुख है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो भारत के राष्ट्रपिता, मोहनदास था नाम तो, मगर मोहनदास से महात्मा हो गए, जिनकी संगति में रह करके वे महात्मा हुए ये परम कृपालु देव। साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी थे तब गांधी जी के संपर्क में दो प्रकार के लोग आते थे, वहाँ के परदेसी और भारत के देसी। और गांधी जी के पास में दो किताबें होती थी, टॉल्स्टॉय की और कृपालु देव की, आत्मसिद्धि शास्त्र जो गुजराती जानते थे उन्हें गांधी जी आत्मसिद्धि शास्त्र पढ़ने को देते थे, जो गुजराती नहीं जानते थे उन्हें टॉल्स्टॉय की किताब पढ़ने को देते थे। गांधी जी वहाँ के लोगों को आत्मसिद्धि शास्त्र नहीं देते, समझ में नहीं आती। गांधी जी ने, मैंने सुना है,
आत्मसिद्धि शास्त्र का अनुवाद अंग्रेजी में किया। मगर गांधी जी बस में यात्रा कर रहे थे प्रदेश में कि वहीं पर ही बस में वो अंग्रेजी किया हुआ अनुवाद वहीं छूट गया और न मिला। ये मैंने सुना है कि गांधी जी के बारे में इतना लिखा गया है, गांधी जी को परम कृपालु देव ने ऐसा उपदेश दिया था कि जब आप भले गृहस्थ अवस्था में रहते हैं फिर भी आप संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन जी सकते हैं और गांधी जी को अपने जीवन में ब्रह्मचर्य की प्रेरणा मिली हो तो परम कृपालु देव से। परम कृपालु देव की मृत्यु हुई कि गांधी जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम लिया। परम कृपालु देव से ही प्रेरणा लेकर के परम कृपालु देव जो यहाँ पर शादी हुई, बच्चे हुए, मगर यहाँ पर वे सिर्फ एक ट्रांजिट के रूप में आए थे। स्थानांतरण, एक जगह से ट्रांसफर होने के लिए वे यहाँ आए थे। भले ही स्त्री से शादी होती है, लक्ष्मी से शादी हो, स्त्री से शादी हो, मगर वे तो मुक्ति रूपी लक्ष्मी का वरण करने के लिए यहाँ पैदा होते हैं। पर आपको ये पता ना होगा कि परम कृपालु देव का नाम परम कृपालु देव नहीं था, श्रीमद राजचंद्र नहीं था, रायचंद पाई, और रायचंद पाई भी उनका नाम नहीं था, उनका नाम था लक्ष्मी नंदन। बचपन में उनका नाम लक्ष्मी नंदन था, 4 बरस तक लक्ष्मी नंदन नाम रहा, और 4 बरस के बाद में उनके पिता ने उनको फिर रायचंद नाम दिया। रायचंद, और मैं अभी बवाणिया गया था, वहां पर एक तस्वीर है, कभी अवसर मिला तो मैं ज्ञान दीपकों को वो तस्वीर बताऊं। वहां वह तस्वीर है जिस तस्वीर में परम कृपालु देव, मुझे वहां कहा गया कृपालु देव को बैठने के लिए कहा, और परम कृपालु देव की बैठे बैठे एक तस्वीर, बैठो आपकी एक तस्वीर बनानी है, अम्बालाल भाई की वो स्मृतियां वहाँ तस्वीर बनी, और ऐसी ही तस्वीर कृपालु देव की, जैसे कृपालु देव साक्षात बैठे हो, और वहाँ उस तस्वीर में राजचंद्र नाम लिखा है, रायचंद भी नहीं, राजचंद्र। राजचंद्र आज हम कहते हैं उनका असली नाम वहाँ पर प्रचलित जो था वह राजचंद्र के रूप में था, कि ये राज्य का चंद्र है, ये ऐसा पूर्णिमा का चांद है। परम कृपालु देव के बारे में बहुत कुछ कहा गया, लिखा गया। गांधी जी से पहचान हुई, गांधी जी का जीवन परिवर्तित हुआ। जब ऐसा समय आया कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में, एक समय ऐसा था कि ईसाई से प्रभावित हुए थे, परिवर्तन करना चाहते थे कि अब मैं ईसाई हो जाओ, तरह तरह के विकल्प चल रहे थे, ईसाई होना, मुस्लिम होना, निर्णय नहीं कर पा रहे थे। और तब गांधी जी ने कृपालु देव को प्रश्न पूछे, श्री कृष्ण के संबंध में पूछे, वेद के संबंध में प्रश्न पूछे, पर परम कृपालु देव के उत्तर को सुनकर के ही उन्होंने निर्णय लिया कि वे ईसाई धर्म में परिवर्तन नहीं करेंगे। परम कृपालु देव जन्म से जैन तो नहीं थे, उनके दादा तो वैष्णव थे। ये उनके लिए मैं कह रहा हूं कि जिनके लिए आज हम 25वें तीर्थंकर के रूप में कहकर उनकी गुणगान और भक्ति करते हैं, कहते हैं पूज्य गुरुदेव श्री, 24 तीर्थंकर के बाद 25वां तीर्थंकर। कुछ संप्रदाय ऐसा है जो मानता है 25वां तीर्थंकर, तीर्थंकर 25वें नहीं होते, मगर वो ये बात बताना चाहते हैं कि 24 तीर्थंकर की अनुपस्थिति में भी जिनका होना हमारे लिए इतना उपकारी हुआ कि हमें एहसास ही नहीं होने दिया कि 24 तीर्थंकर नहीं है। वो 25 की गिनती मत करना, 25 होते ही नहीं, सिर्फ अहोभाव है,
काव्य की भाषा को सिद्धांत मत समझ लेना, वरना गड़बड़ होगी। सिर्फ कहने की बात है। परम कृपालु देव, ऐसे गांधी जी के साथ संपर्क में आए और जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ पर मैं गांधी जी की नोट, भारत की 1000 रुपये की नोट, 2000 रुपये की नोट की, उसमें जो फोटो है वो फोटो से बताता था कि ये कौन है, कि गांधी जी, सब पहचानते हैं गांधी जी को। और फिर कहता कि गांधी जी भी जिनसे सीखे और जिन्होंने बोध प्राप्त किया हो, ऐसे परम कृपालु थे। और उस समय मुझे ये विचार आता था कि हम सब पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और परम कृपालु देव के शिष्य हैं, हम सब शिष्य हैं, मगर हम नीचे हैं, वे ऊंचे हैं। हे शिष्य, तू अपने को नीचा मत मान, क्योंकि जब ऐसी स्थिति आती है कैसा लगता है कि महावीर भगवान के गणधर गौतम स्वामी, वो बात तो समझ में आती है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का शिष्य मैं, ये बात समझ में आती, मगर उल्टा हो जाए कि मेरे गुरु ये, हुआ ऐसा? कृपालु देव कौन? महात्मा गांधी जी के गुरु, महिमा आती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, हे शिष्य अपने को नीचा मत मान, क्योंकि तुझ में ऐसा सामर्थ्य है कि तेरे से गुरु की पहचान हो सकती है। तू अपने को नीचा क्यों मानता? तो एक समय के लिए अपने को हीन मत मान, तो अपने में ऐसा कुछ कर सकता है। गांधी जी ने क्रांति लाई बाहर के जगत में, देश को मुक्त करने के लिए गांधी जी ने अभियान चलाया, और परम कृपालु देव ने आत्मा को आत्मा के प्रदेशों से बंधे, वो जो कर्म है, कर्म से मुक्त होने के लिए उन्होंने ये क्रांति की। कृपालु देव की क्रांति भीतर की ओर थी। गांधी जी ने बहुत बार अपने संस्मरणों में लिखा है, अनेक व्यक्तियों से गांधी जी मिलते थे तो गुणगान गाते थे कृपालु देव के। अक्सर वे परिचय में थे हेनरी पोलॉक के। हेनरी पोलॉक को जब वे खत लिखते तो कहते, भारत देश में सर्वश्रेष्ठ भारतीय नागरिक कोई हो तो परम कृपालु देव है। श्रीमद राजचंद्र रायचंद भाई, पश्चिम में एक महान विचारक हुआ, थॉमस वेबर। थॉमस वेबर की एक किताब है गांधी एज डिसाइपल एंड मेंटर, और उसमें उन्होंने ये लिखा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की प्रेस से ये किताब प्रकाशित हुई है। उस किताब में भी उन्होंने ये लिखा कि यदि रायचंद भाई नहीं होते तो गांधी जी ईसाई हो गए होते। कैसे भी मार्ग पर चले गए होते। हम ये गुणगान गाए और कोई परदेसी इस बात का स्वीकार करे, फर्क पड़ता है, ऐसा लगता है हम ही अपने मुंह से अपने गुणगान गाते हैं। ये परदेसी ने अपने मुंह से परम कृपालु देव के गुणगान गाए, महात्मा गांधी जी का जीवन जिनसे परिवर्तित हुआ है, ऐसे ये परम कृपालु देव। परम कृपालु देव की अत्यंत करुणा थी, और ऐसे ही करुणा
के उपाधि के प्रसंग में भी आत्मस्वरूप विशेष रूप से, संसार का स्वरूप भी विशेष रूप से हमारी समझ में आता है। खास करके परम कृपालु देव ने लिखा, जितनी वेदना अधिक है, जितना कष्ट अधिक आता है, जितनी उपाधि अधिक होती है, उतना संसार का दुख हमारे वेदन में आया है। संसार का स्वरूप वेदन में आया है, स्वरूप समझ में आया है, विशेष विशेष करके ये स्वरूप समझ में आया, उसके पीछे कारण अनुकूलता में धर्म के मार्ग में लगना बहुत मुश्किल है। प्रतिकूलता में ये संभावनाएं अधिक है। यही तो कारण किसी की मृत्यु हो गई और किसी का जीवन पलट गया। ऐसी घटनाएं बहुत सुनी, मगर मैंने वह घटना नहीं सुनी कि किसी का जन्म हुआ और वैराग्य आ गए, मृत्यु से वैराग्य आ गए। शरीर पर बाल नहीं उगते थे, बाल उगे काले रंग के, वैराग्य आ गया, ऐसा नहीं। मगर बाल काले से सफेद, एक सफेद बाल आया कि वैराग्य आ गया। मैं ये कहता हूं कि वैराग्य, जितनी प्रतिकूलता हो, प्रतिकूलता के प्रसंगों में वैराग्य आता है। और ज्ञानी सब समझता है, परम कृपालु देव सब समझते थे। इसलिए तो अंतिम घड़ी पर देह की स्थिति को देखते हो, शरीर टिक नहीं सकता, वो पलंग नहीं है, वो कुर्सी है। जिस कुर्सी पर परम कृपालु देव लेटे हैं, उस जमाने में आराम कुर्सी ऐसी होती थी, लकड़ी की, जैसे पलंग जैसी हो, जैसे कृपालु देव वो राजकोट में लेटे हुए वो पलंग को देखते हो, वो आराम कुर्सी पर आराम करते हैं, शरीर हिलता भी नहीं, एक जगह पर ही। मगर जरूरत है शरीर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की, इसे दो आराम कुर्सी रखी, एक आराम कुर्सी पर बैठे, फिर जब ऐसी स्थिति आए तब फिर दूसरे पर ले जाए, फिर इस आराम कुर्सी को भी साफ सफाई जो वगैरह करना है वो करें। शरीर टिक नहीं सके, ऐसी हालत है। इसलिए ज्ञानियों की पहचान तो इससे मत करना कि अब उनसे उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, तो जीवन भर जो ये साधना की थी उस साधना का क्या हुआ? जीवन भर साधना की थी, उस साधना को देह के ये बाहर के रूप रंग से, ये देह की बाहर की क्रियाओं से, देह के सामर्थ्य से ज्ञानी की पहचान मत करना। पानी का गिलास भी परम कृपालु देव अपने हाथों से नहीं उठा पाते थे, ऐसी शरीर की स्थिति हो गई थी। ज्ञानियों को भी ऐसी स्थिति हो कि पानी का गिलास भी अपने हाथों से नहीं उठा पाते, खुद ही नहीं उठ सकते तो गिलास को कहां उठाए। गिलास तो बाद में उठे, पहले हाथ तो उठे यहां से, ऐसी स्थिति हो गई थी। मगर जब हाथ नहीं उठता तब परम कृपालु देव के भीतर में यह भाव था, परम कृपालु देव की यह मस्ती थी कि हाथ हिलता नहीं, हाथ उठता भी नहीं, शरीर में अब शक्ति नहीं रही, शरीर में अब शक्ति नहीं रही, यह जानने वाला कौन है? यह जानने वाला ज्ञान है, यह ज्ञान ही तो शक्ति है, शक्ति कहां गई? इसलिए जब देह में शक्ति नहीं तो शक्ति नहीं इसे जानने वाला जो शक्तिशाली, उसी में उपयोग स्थिर होता है कि देह होने पर देहातीत होते हैं। परम कृपालु देव ने अंतिम गाथा का भाव वही कहा, 142वीं गाथा, देह होने पर देहातीत हो गए, शरीर में अब शक्ति नहीं। एक ही तो सहारा लेना है, भाई का सहारा लेकर के एक आराम कुर्सी से दूसरे आराम कुर्सी पर जाने की भी आशा ज्ञानी की नहीं होती। भाई थे वहां पर मृत्यु की घड़ी पर,
मगर अपेक्षा किसी से नहीं, क्योंकि स्वरूप जान द्वेष नहीं, समझ है, पूरी समझ। अभी कोरोना का काल है, बीमार हो गया मैं, कल तक जो मेरे पास में ऐसे मंडराते रहते आज चेहरा भी नहीं दिखाते, पास में जाने जैसा नहीं। कैसा यह संसार है, कैसा यह स्वार्थी संसार है, आश्चर्य नहीं होता। स्वरूप समझ में आने पर आश्चर्य नहीं होता, आश्चर्य से छुटकारा हो जाता है। परम कृपालु देव ने अपने सगे भाई से भी आशा न रखी थी, मां से भी आशा नहीं रखी थी। हाँ, अपना व्यवहार, अपना कर्तव्य निभाया, अपने भाई को जाते जाते इतना कह दिया, मां का ध्यान रखना। मैं तो नहीं रख सकता, अब मैं तो इस देह का ध्यान रखने के लिए भी काबिल न रहा, शरीर ऐसा हो जाता है। द्वेष नहीं होता, तुम्हारी भी मृत्यु आएगी, तुम भी कल बीमार पड़ोगे, तुम्हारी भी देह की स्थिति ऐसी होगी। सभी का काल आगे आने वाला है, कौन बचने वाला है? आज मेरा कल तुम्हारा, काल किसी को नहीं बख्ता, काल किसी को नहीं बख्शता, काल है ना। मगर हाँ, मैं स्वरूप में लीन होकर के उस काल से दृष्टि हटा सकता हूं। काल की ओर क्यों देखना, चौघड़िया में काल चौघड़िया भी होता है और चौघड़िया में अमृत भी होता है। काल की ओर देखना क्यों, कैसा भी काल हो, काल चौघड़िया में भी अमृत का रसपान हो सकता है। इसका भाव ये, कैसा भी काल हो मगर आत्मा का हित हो सकता है। और ये अचानक न होगा, पूरे जीवन की साधना, परम कृपालु देव की मृत्यु की घड़ी पर जो वह दशा थी, वह दशा वो अचानक नहीं आई थी, वो पूरे जीवन का सार था। 200-200 पत्र गांधी जी ने लिखे, वो पत्र व्यवहार होता, हजारों पत्र परम कृपालु देव ने लिखे। इसलिए हजारों कहता हूं, उपलब्ध हमारे पास में कुछ ही है। 1000 पन्ने का जो वचनामृत, मगर लिखे गए बहुत कोथड़ो हुए, गौण नो जिम घऊनी गौण ना कोथड़ा आवे, बूढ़ी उनकी मृत्यु के बाद में ठेले में से इतने खत मिले हैं। कुछ लिखने वाले थे, कुछ भेजने वाले थे, कुछ आए हुए थे, कोथड़ों भरे लोग। 33 वर्ष की उम्र में कब ये हुआ होगा? इसलिए कहता हूं, हजारों घंटे का बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना ये व्यर्थ नहीं जाता। ये मृत्यु की घड़ी पर वहां वही तो एक निचोड़, एक सार होकर के बाहर आता है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, मृत्यु तो कल मेरी भी है और तुम्हारी भी है, और चाहे तुम मेरी सेवा करो या न करो, मैंने तो पहले से ही संसार से कोई आशा नहीं रखी। अक्सर सेवक हत्यारे सिद्ध होते हैं, इसलिए सिर्फ परम कृपालु देव के जीवन के अनुभव से मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं, परम कृपालु देव ये कहते थे, कितनी भी प्रतिकूलता जीवन में आए तो अंतर की यात्रा के लिए उपयोगी होता है। स्मशान में वैराग्य, प्रसूति ग्रह में वैराग्य, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा। जहां जन्म होता और वहां वह जन्म की प्रक्रियाएं होती, वहां नहीं, वहां तो ये कहा, तड़पते हो, सताए जाते हो, इतना इतना दुख होता है। मां को गर्भ के काल में बच्चे को जन्म देते समय मां को इतना दुख होता है। जननी उदर वस्यो नव मास अंग सकुचते पायु त्रास, निकसत जे दुख पाए गुर तिनको कहत न आवे और
कहा नहीं जा सकता, वाणी में न कहा जा सके, ऐसा वह दुख है। मां की वह प्रसूति की वेदना, मगर वैज्ञानिकों ने संशोधन किया, पर ज्ञानियों ने पहले ही ज्ञान में जाना कि जिस समय मां को प्रसूति होती है और जो वेदना होती है उससे हजारों गुनी अधिक वेदना जन्म लेने वाले बच्चे को होती है। मां की वेदना तो कुछ भी नहीं, जितना दुख, मगर उसके बारे में न कहा कि जन्म लेते समय वैराग्य आया, मरते समय, जाते जाते ये कह गए। लंबा ऐसा ग्रंथ होता, अनेक पन्नों का ग्रंथ होता तो याद न रहता। ये जीवन का सार, कोई मुझे बुलाना मत, ये परम कृपालु देव ऐसा क्यों कहते, आओ थोड़ा मेरा ध्यान तो रखो। ज्ञान दीपक सेवा करने के लिए आते हैं, कहते हैं हम आपके पास में भक्ति करें, वो भक्ति भी अब बोझ रूप लगती है। कुछ धर्म की बात सुनाए, वह सुनना भी अब बोझ रूप, अब तो समाने का समय है। परम कृपालु देव ने अंत में यही कहा, कोई मुझे, अंतिम वाक्य कृपालु देव का यही, कोई मुझे बुलाना मत, मैं मेरे स्वरूप में, आत्मस्वरूप में लीन होता हूं। यह अचानक नहीं होता, बाहर की वेदना भीतर की ओर धकेलती है। वेदना में भी वेदना को जानने वाला वह ज्ञान, उस ज्ञान में भी स्व संवेदन, वेदन होता है तब वेदना ज्ञेय हो जाती है, और वेदना भी ज्ञेय तब तक होती है जब तक वह दशा नहीं आई, दशा आई तो वेदना ज्ञेय भी नहीं रहती, ज्ञायक ही ज्ञेय होता है। इसलिए ज्ञानी वेदना को भी जानते नहीं, कौन वेदना, मैं नहीं जानता उस वेदना को, किसके बारे में तुम चर्चा कर रहे हो, मैं वेदना के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं नहीं जानता वेदना के बारे में, मुझे तो स्वरूप के बारे में पूछो, स्वरूप के बारे में पूछो, वेदना के बारे में मैं नहीं जानता। परम कृपालु देव की ऐसी दशा थी। परम कृपालु देव ने उपाधि के समय साधना में परिवर्तन होना ये कहा, परिवर्तन, जितना जितना तुम्हारे जीवन में कष्ट आए उस कष्ट का स्वीकार करना, वरना मच्छर को उड़ाना कोई कठिन नहीं था, खुद नहीं उड़ाते मगर कोई और तो उड़ा सकता था ना। परम कृपालु देव को चदर उड़ाते, उड़ाई जाती चदर मगर हटा देते, ये क्या कर रहे हो, अब तो जाने का समय आया, आओ। मच्छर की राख की दीवार के पड़ोस में रहने वाले हे परमात्मा, तुम आओ, तुम परमात्मा, तुम तो मुझे नहीं काट रहे हो, ये कोई उदय है तुम्हारा, जिन्हें ये भाव आता है, ये उदय का परिणाम कि ये खून पीऊ, तुम खून पीने वाले नहीं, तुम तो परमात्मा, अपने महल में से बाहर नहीं निकले, मच्छर के प्रति ऐसा भाव, मच्छर काटता है, ये मच्छर मुझे काटता है ऐसा नहीं, ये काटने वाला तो कोई विकार है, कोई विभाव है, कोई उदय का परिणाम है, मच्छर के भीतर जो परमात्मा वो कैसे काटे, परमात्मा का स्वभाव तो काटना भी नहीं और जोड़ना भी नहीं, परमात्मा तो है, शरीर न दिखे ऐसे मच्छर से शरीर ढक जाना, एक चदर तो ओढ़ी है, अब दूसरी चदर की क्या जरूरत, राख पर राख लगाने की जरूरत क्या, भभूति लगाने वाले बाबा की तरह, शरीर तो राख है फिर ललाम पर ये भभूति लगाने की जरूरत क्या है। ज्ञानी ये देखता है कि ये शरीर
ये शरीर स्वयं तो राख है और राख पर राख ये दीवार बनी, राख पर राख की दीवार, ये राख पर राख की दीवार, दीवार पर दीवार, दीवार पर दीवार बनती है, मच्छरों की दीवार। इतनी चदर से तो शरीर को ढंका गया, और कौन सी चदर? और आओ, जितना आ सके आ जाओ तुम। इसलिए ज्ञानी तो बुलाता है, आओ, कहता है तुम आओ, निमंत्रण देता हूं, आओ तुम पियो खून, आओ। जितना भी हो सके आओ। इसलिए कि जब तुम आते हो, जब तुम खून पीते हो, ये बात भूतकाल में कही गई है, उससे ये समझ में आता है। शरीर में जारे एवी वेदना थती होय त्यारे आत्मस्वरूप नी श्रद्धा ना बढ़े, संसार नो स्वरूप वेदाई छे, संसार नो स्वरूप वेदाई छे। आ मच्छर आटला करड़ी रहा छे, मच्छर ना करड़वा छताय ए मच्छर अमने जगाड़े छे, मच्छर करड़े छे त्यारे अमने ए याद अपावे छे। जो आ शरीर तारू नथी, तारू होत तो तारू चालवू जोईए, आ मच्छर करड़े छे त्यारे अमने ए याद करावे छे। अने याद करावनार तो गुरु होय, जे गुरु याद करावे के संभाळजो आ शरीर तमारू नथी, परम कृपाळु देव એ કહે છે કે આ મચ્છર અમને યાદ કરાવે છે કે આ શરીર તારું નથી, આ શરીરમાં તારું કંઈ ચાલતું નથી, આ મચ્છર યાદ કરાવે છે, મચ્છર ગુરુ છે, મચ્છર ગુરુ બન્યા છે, ચાદરની જેમ મારા શરીર ઉપર આ જે દેખાય છે મચ્છર ગુરુ બન્યા છે। અને ગુરુ જ્યારે મારા દ્વારે આવે તો ગુરુને ભગાડાય નહીં, ગુરુનું સ્વાગત કરાય, એટલે અમે આ મચ્છર આ બીમારીઓ આ બધાનું સ્વાગત કરીએ છીએ। આવી જાઓ, કારણ કે અમારા માટે તમે રિમાઇન્ડર છો, તમે રિમાઇન્ડર તરીકે કામ કરીને અલારામનું કામ કરો છો, અમને જગાડો છો, પરમ કૃપાલુ દેવ આવું કહેતા હે જ્ઞાન દીપક, પરમ કૃપાલુ દેવ કી વૈદશા कैसे विस्थिति में। ज्ञानी अत्यंत करुणा से भरा, कहना तो बहुत कुछ चाहता है मगर शरीर का साथ न मिला, फिर भी धन्यवाद देकर के विदा होता है। धन्यवाद इस राग की दीवार का सदुपयोग कर सका, पृथ्वी से मिले हुए इन परमाणुओं का सदुपयोग कर सका, शिकायत नहीं करता। अरे ये दीवार बिखर रही है, धन्यभागी हूं, अनंत काल से नहीं जाना हुआ स्वरूप इस राग की दीवार के पड़ोस में रहकर के मैंने जान लिया, इस राग की दीवार के पड़ोस में रहकर के ये स्वरूप मैंने जान लिया, शिकायत नहीं करता। जो भी बुरा है उसके लिए तो वे कहते हैं, मुझे घटना अविस्मरण में आई, दो मित्र प्रेम से रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, प्रेम और झगड़ा दोनों साथ में चलता है, जंगल की ओर यात्रा करते हैं, मगर ऐसा हुआ एक मित्र ने दूसरे मित्र के लिए कुछ बुरा किया, इसने लिख करके रखा
मिट्टी पर कि मेरे मित्र ने मेरे लिए इतना बड़ा अन्याय किया, मिट्टी पर लिख करके रखा। थोड़ा और आगे गया, फिर उस मित्र ने उसका साथ दिया, उसे जो चाहिए था उसमें उसे साथ दिया। और ये मित्र ने अब जो लिखा कि मेरे मित्र का मेरे पर उपकार, उसने पेड़ की डाली जो थी पेड़ के ऊपर वहां लिखा, मेरे मित्र ने मेरे लिए अच्छा किया। सार है इसमें, बुरा किया उसको तो मिट्टी पर लिखा, अच्छा किया उसे पेड़ पर लिखा। वो भूल जाने जैसा बैर बिखेर हो जाए, मगर ये न भूलूंगा। ज्ञानी के भीतर में ये भाव, बहुत हत्या करने आए मगर वे लिखते नहीं। उसने तो मिट्टी पर भी लिखा, ज्ञानी ने तो मन में भी नहीं लिखा, मगर ये राख की दीवार को इतना तो धन्यवाद दिया। धन्यवाद देता हूं हे देह के परमाणु, तुम्हारे योग में रहकर के मैंने अपने स्वरूप को जाना। ये राख की दीवार भले ही राख की दीवार फिर भी अहोभाव तो आता है, वरना ज्ञानी की ही यह पुकार बहु पुण्य केरा पूंज थी शुभ देह, ये क्यों कह दो? एकत्व करने के लिए नहीं कहा, उसकी महिमा तुम जानो। अनुभूति होने पर भी ज्ञानी को ऐसे भाव आते हैं, ज्ञानी को ऐसे भाव आते, वरना ये क्यों कहते? अपूर्व अवसर, ये मनुष्य भाव से ही तो मुनि धर्म अंगीकार होता है, वरना ये मनुष्य भाव की महिमा क्यों बताते? परम कृपालु देव ने तो हमें सब कुछ दिया, सत्पुरुषों का योग बल जगत का कल्याण करे, ये सहज ही सब कुछ मिला हुआ, सब कुछ महापुण्य के उदय से प्राप्त हुआ। जूठन मत छोड़ना, ऐठू न मुकता, मळ्यू छे घणू बधू, बधू ज खाजू बधू ज पीजू। मैं भी ज्ञान दीपकों से ये कहता हूं, सुनना बहुत मिला है, झूठा मत छोड़ना। झूठा छोड़ने पर तो दंड मिलता है, जर्मनी में ऐसा होता है। जर्मनी में यदि तुम रेस्टोरेंट में भोजन करने जाओ और वहां पर तुम झूठा नहीं छोड़ सकते, भले तुमने कहो वहां पर कहो कि मैंने तो रुपये दिए, तुम्हारा भोजन जितना था एठो मुकिन तमे त्यां आवता रहो, होटल में खावा जाओ ने त्यांथी आवता रहो, न चाले। तमे पैसा देवा तैयार छो पण अमारा देश में अन्न ज आटलू उगे छे अने एनो बगाड थयो, हवे बीजा जे भूख्या रहेशे ए पैसा आपीने पण एने तो अनाज नथी मळवानुं, एने भोजन क्यांथी मळशे? पैसाथी समाधान नहीं थाय। झूठा छोड़ने वाले को माफ नहीं किया जाता पैसे के कारण, इसलिए मैं कहता हूं हे धनपति, तुम्हें माफी न मिलेगी यदि गुरु की पुकार जितनी मिली उसमें से तुमने कुछ भी झूठा छोड़ा तो। पूरा का पूरा रस पीना, धन्यवाद देना परम कृपालु देव को अहोभाव से उनके चरणों में झुक करके, अनंत अनंत उपकार भाव व्यक्त हुए बिना नहीं रहता। एक ज्ञान दीपक परम कृपालु देव के जीवन के संबंध में और भी बहुत कुछ बातें मुझे आपसे कहनी है, कितनी कह सकूंगा मैं नहीं जानता, फिर भी भावना भाता हूं। परम कृपालु देव सत्पुरुषों का योग बल जगत का कल्याण करें। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने, आप साधकों ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मैं आप परमात्माओं को
मैं हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।